हेलो गाइस, दिस इज जितेंद्र सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द फील्ड प्लॉट टेक्निक्स। सो व्हाट इज द फील्ड प्लॉट प्लॉट टेक्निक्स? फील्ड प्लॉट टेक्निक्स इज दैट टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और दैट टाइप ऑफ डिजाइन व्हिच कैन बी यूज्ड टू यूज फॉर द फील्ड एक्सपेरिमेंट्स टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ क्रॉप्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड अदर एग्रोनॉमिकल इनपुट्स। यानी कि जो भी एग्रीकल्चर इनपुट्स जो है कि हम एक एक्सपेरिमेंट्स के दौरान देते हैं, उसको हम ट्रीटमेंट या फैक्टर्स कहते हैं, और उनको कैलकुलेट करने के लिए, उन्हीं को इवेल्युएट करने के लिए जो है कि हम फील्ड प्लॉट टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। सो सम कॉमन फील्ड प्लॉट टेक्निक्स आर हियर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन। सो व्हाट इज दिस रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन? इज दैट टाइप ऑफ डिजाइन इन विच वी जनरली क्रिएट थ्री प्लॉट्स, सेपरेट सेपरेट थ्री प्लॉट्स। दिस इज द स्पेसिंग बिटवीन टू टू प्लॉट्स। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं कि दो प्लॉट्स के बीच में और इधर जो कि किनारा जो फील्ड का जो हमारा आउटर एरिया होता है वहां पे हम कुछ गैप देते हैं, और गैप दे करके तीन रेप्लिकेशन जनरली बना लेते हैं, R1, R2 और R3। इनको हम रेप्लिकेशन कहते हैं, तीन प्लॉट बनाते हैं इनको रेप्लिकेशन कहते हैं। और इन रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जो भी हमारी जो वेराइटीज होती हैं, जो भी हमारा ट्रीटमेंट होता है, उसको हम क्या करते हैं कि अलग अलग सीरीज में इस तरीके से अरेंज करते हैं कि तीनों तीनों ही प्लॉट में वो आमने सामने कहीं भी एग्जिस्ट ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हमारा ए है, ठीक है, ए बी सी करके, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि इनका अरेंजमेंट मान लो यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है। तो जब भी हम इसका सेकेंड रेप्लिकेशन जब बनाएंगे, तो इसमें जो होगा कि इसके ठीक सामने के साइड में, इसके जस्ट सामने यानी बगल वाले प्लॉट में ए कहीं भी एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, ना ही ए यहाँ पे आना चाहिए और ना ही यहाँ पे आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी फैक्टर, कोई भी ट्रीटमेंट अगर यहाँ आता है तो वो चलेगा, यानी यहाँ बी लिख सकते हैं, यहाँ सी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कि उसको रिप्लीकेट कराते जाते हैं, यहाँ बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, जो भी हो। तो इस तरीके से जो है कि रिप्लिकेशन हमारा जो है कि एग्जिस्ट करता है, और इसका जो है कि हम अलग अलग फैक्टर्स में इसका एनालिसिस कर लेते हैं। आगे जो है कि जब हम इस में थोड़ा सा डीप जाएंगे, तो वहां पे हम रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन का एक सेपरेट वीडियो के थ्रू उसके कैलकुलेशंस के बारे में, उसमें क्या क्या जो है कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें TSS होता है, इसमें जो है कि क्रिटिकल डिफरेंस निकाला जाता है, तो वो सारी चीजें जो है कि हम वहां पे कैलकुलेट करेंगे। सो नेक्स्ट है स्प्लाइट ब्लॉट प्लॉट डिजाइन। सो व्हाट इज स्प्लाइट प्लॉट डिजाइन? स्प्लाइट प्लॉट डिजाइन इज द जनरलाइज मेथड इन विच व्हेन द मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स आर प्रेजेंट। जब क्या होता है कि वहां पे एक मल्टीपल फैक्ट ट्रीटमेंट के साथ साथ सेकेंडरी फैक्टर भी वहां अवेलेबल होता है, तो उस केस में हम स्प्लाइट प्लॉट डिजाइन का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि इसका जो हमारी प्लॉटिंग होती है, रेंडमाइज की तरह ही पहले तो बनाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसके प्लॉट को हम अलग अलग फिर डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमने रिप्लिकेशन बना लिया R1, R2 और R3। हमारे पास कुछ और भी जो है कि ट्रीटमेंट है जो कि हम चेक करना चाहते हैं कि अब जो रिप्लिकेशन वन है उसमें जो है कि कुछ आधा में जो है कि हम नाइट्रोजन देना चाहते हैं और आधा में नाइट्रोजन नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन यूरिया और यहाँ पे नहीं देना चाहते हैं। तो हमारे पास तो हम क्या करेंगे कि रिप्लिकेशन को आधा डिवाइड कर देंगे, दो हिस्से में डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाले में नाइट्रोजन दे देंगे, तो एक ट्रीटमेंट यहाँ पे दे दिया और दूसरा ट्रीटमेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं किया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें एक ही रेंडमाइज, एक ही जो प्लॉट है उसी से हम दो तरीके का जो है कि प्रोडक्शन कर लेते हैं, और यहाँ पे भी ये स्प्लाइट प्लॉट डिजाइन में इस तरीके से होता है। अब उसमें भी अगर हमें क्या करना है कि कोई तीसरा उसमें फैक्टर भी है, तो उस तीसरे फैक्टर की टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं कि हर एक प्लॉट में
फिर से जो है कि छोटे छोटे ब्लॉक बनाते हैं और फिर वहां पे फिर उनका जो है कि ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमने नाइट्रोजन दिया था और यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं दिया था। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो नाइट्रोजिनस है उसमें हम वाटरिंग करें और जो नॉन नाइट्रोजिनस है उसमें बिना वाटर के जो है कि इसको प्रोडक्शन करना चाहते हैं और इसमें टेस्टिंग करना चाहते हैं, उस लेवल पर टेस्ट करना चाहते हैं कि इसका प्रोडक्शन कैसा होता है। तो उस केस में क्या करेंगे कि फिर हम यहाँ पे अलग अलग इसमें जो है कि ब्लॉक बनाएंगे और फिर यहाँ से टेस्टिंग करते हैं। तो दैट इज द स्प्लाइट प्लॉट डिजाइन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज लैटिन स्क्वायर डिजाइन। लैटिन स्क्वायर डिजाइन क्या होता है, कब यूज करते हैं इसको? लैटिन स्क्वायर डिजाइन इज दैट टाइप ऑफ डिजाइन इन विच देर आर टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा फैक्टर होता है वो क्या करता है कि जितने नंबर में इसमें जितना भी इसका रिप्लिकेशन, जितना नंबर ऑफ इसका ट्रीटमेंट होता है उतने ही नंबर ऑफ इसमें रिप्लिकेशन देखने को मिलता है, यानी एन इज इक्वल टू आर होता है। तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट जो है कि 5 है, तो इसमें नंबर ऑफ जो रिप्लिकेशंस होंगे ठीक है वो भी क्या होंगे कि 5 होंगे। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरीके से क्या करता है कि ये और ये दोनों एक स्क्वायर का शेप ले लेता है, तो इसलिए हम इसको जो है कि लैटिन स्क्वायर डिजाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज स्ट्राइप प्लॉट डिजाइन। स्ट्राइप प्लॉट डिजाइन जो होता है कि जनरली ऐसे फील्ड प्लॉट्स के लिए यूज किए जाते हैं जो ज्यादा एरिया में नहीं होते, मिनिमाइज एरिया में होते हैं, कम से कम एरिया में होते हैं, लिमिटेड एरिया होता है। तो दैट टाइप ऑफ एरिया के लिए जो है कि स्ट्राइप प्लॉट डिजाइन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फैक्टोरियल डिजाइन। सो फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है? तो फैक्टोरियल डिजाइन होता है ये फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। सो इसका मतलब ये होता है कि अगर फैक्टर्स हमारे पास जैसे कि दो हैं, एक टाइम, सपोज कि ये टाइम है और टाइम के साथ साथ में जो है कि उसकी ह्यूमिडिटी के साथ में हमें टेस्टिंग करनी है, ह्यूमिडिटी ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों ही फैक्टर्स के अलग अलग लेवल जो होते हैं उन सभी लेवल्स को हम क्या करते हैं कि हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हम चेक करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे टेम्परेचर, जो टाइम होता है, सॉरी जो टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर या तो हाई होता है या तो फिर लो होता है, तो हमारे पास दो इसके लेवल हो जाता है। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी के तीन लेवल हो जाते हैं। पहला होता है लो, मीडियम एंड हाई। ओके, सो व्हेन बोथ फैक्टर्स हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इट्स डिफरेंट डिफरेंट लेवल, देन वी चेक ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इट। यानी कि हाई का इसका कॉम्बिनेशन जब बनाएंगे तो एक बार तो हाई इंटू लो होगा। ओके, यानी इसका और इसके साथ, फिर इसके बाद हाई इंटू मीडियम, हाई इंटू मीडियम के साथ चेक करेंगे, फिर तीसरा जो होगा हाई इंटू हाई। ओके, और इसके बाद जो होगा कि लो, फिर लो का लो के साथ लो इंटू लो, देन लो इंटू मीडियम, देन लो इंटू हाई। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तीन यहाँ तीन यहाँ, तो देर आर सिक्स पॉसिबल लेवल्स। सो हर एक लेवल पे हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं और इस तरीके से हम जो है कि ये फैक्टोरियल डिजाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये अलग अलग जो है कि इस फील्ड प्लॉट टेक्निक्स में जो है कि टेक्निक्स हैं जो कि हम एक्सपेरिमेंटल फील्ड से कलेक्टेड जो डेटा होता है या फिर हमारी जो भी डिजाइन होती है डेटा होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है कि इनका इनका यूज करते हैं और इनका इन टेक्निक्स को यूज करके हम अपना इवेल्युएशन कर लेते हैं। और ये काफी जो है कि हमारा जो कैलकुलेशन होता है, हमारा जो जो डेटा होता है उसको काफी इजी बना देता है।